वडोदरा की लक्षिता ने भोपाल में आयोजित की गई वैसी 1500 मीटर के खेल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हुए वडोदरा शहर का नाम रोशन किया है। हाल ही भोपाल में खेलो इंडिया में 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हुए वडोदरा की लक्षिता ने शहर का नाम रोशन किया है। 800 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त करते हुए वडोदरा की लक्षिता ने नाम रोशन किया था। ऐसे में कोच आरएस रंधावा द्वारा काफी मेहनत करने के बीच लक्षिता को अच्छी प्रैक्टिस करवाने के साथ आज ये लड़की द्वारा देश में वडोदरा का नाम उजागर करते हुए गुजरात का भी नाम रोशन किया गया। गुजरात नेशनल में 16 मेडल और इंटरनेशनल में 2 मेडल रनिंग में लक्षिता ने प्राप्त कर चुके हैं। ये कॉम्पिटिशन मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित ताटिया टोपे स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो वहीं कल शाम मांझापुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लक्षिता द्वारा प्राप्त किए गए इस पदवी के तहत कोच आरएस रंधवा द्वारा लक्षिता को शुभकामना देते हुए सम्मानित किया था। मैंने भोपाल मध्य प्रदेश में 5th खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 800 और 1500 में मैंने मेडल लिए। 800 में मेरा सिल्वर और 1500 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। और आगे हम लोग जूनियर एशियन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना और बेस्ट देंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। कितना टफ था ये कॉम्पिटिशन? टफ था क्योंकि इसमें सारे नेशनल के टॉप प्लेयर्स आए थे और हमने मेहनत भी इतनी टफ की थी, तो हम आगे और भी अच्छा करेंगे। कहाँ पर कंपटीशन हुई थी? ये भोपाल में हुआ था खेलो इंडिया, और उसमें हमारी लड़की ने गुजरात को पार्टिसिपेट किया गुजरात की तरफ से। तो वहाँ 800 और 1500 मीटर में पार्टिसिपेट किया इसने। उसमें 1500 में ब्रॉन्ज आया और 800 में सिल्वर मेडल आया। और आगे आने वाले इवेंट जो है उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, जो 3-4 मंथ के बाद है, और उसका हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वहाँ और नाम रोशन करेंगे गुजरात को। आर एस रंधावा एकेडमी को।